तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के इक्वल होती है। अब इस वीडियो में हम आयोटा की पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होती है। अब यदि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, जिसकी वैल्यू हमें माइनस वन के इक्वल मिलेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें माइनस वन के इक्वल मिली है। इसी प्रकार यदि हम आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालें तो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगी। अब आगे यदि हम आयोटा की पावर फोर की वैल्यू निकालें तो आयोटा की पावर फोर को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन जब हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे देन वी गेट आयोटा की पावर फोर इज इक्वल टू वन। अब यदि हम आयोटा की पावर्स आगे फाइंड करें तो आयोटा की पावर फाइव को लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर फोर इंटू आयोटा, एंड सिंस आयोटा की पावर फोर की वैल्यू वन के इक्वल है तो हमें आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू आयोटा के इक्वल मिलेगी, एंड आयोटा की पावर सिक्स की वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर सेवन की वैल्यू हम आयोटा क्यूब, एंड आयोटा की पावर एट की वैल्यू हम आयोटा की पावर फोर के इक्वल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आयोटा की पावर फोर के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है। अब यदि आगे हम आयोटा की पावर 12 की वैल्यू निकालें तो आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 3, एंड सिंस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 के इक्वल है सो आयोटा की पावर 12 की वैल्यू भी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। इसी प्रकार यदि हम आयोटा की पावर 16 की वैल्यू निकालें तो आयोटा की पावर 16 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 4, एंड जब हम इसकी आगे वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें 1 के बराबर मिलेगी। अब यदि हम यहां से वापस से इन सारी टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 के इक्वल है जिसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी, आयोटा की पावर 12 की वैल्यू भी 1 है, एंड आयोटा की पावर 16 की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि आयोटा की पावर 4 की कोई मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, जहां n एक इंटीजर होना चाहिए। अब यदि हम आयोटा के कुछ हायर पावर्स की बात करें जैसे कि आयोटा की पावर 18, तो आयोटा की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी या हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंस हम अभी पढ़ चुके हैं कि आयोटा की पावर यदि 4 की मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो अब हम सबसे पहले 18 को 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसे कुछ इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से हम 18 को लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2। अब यदि 18 को ऐसे ही स्प्लिट करके आयोटा की पावर्स में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा की पावर यदि 4 की मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल होती है, तो इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस 1, यानी कि आयोटा की पावर 18 की वैल्यू हो गई माइनस 1 के इक्वल। अब यदि हम आयोटा की थोड़ी बड़ी पावर के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर 2019, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसको भी हम 4 के मल्टीपल में स्प्लिट करेंगे। इसके लिए वापस से हम 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे,
और इसका डिवीजन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, जिससे हम 2019 को लिख सकते हैं 4 × 504 + 3। तो अब हम आयोटा की पावर 2019 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 × 504 + 3। अब एक टर्म तो यहां आ जाएगी 4 के मल्टीपल में, एंड सेकेंड टर्म मिलेगी आयोटा क्यूब। एंड हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें आयोटा क्यूब के बराबर मिलेगी। एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू भी माइनस आयोटा के इक्वल होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 2019 की वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल है। तो इस प्रकार हमने यहां से ये सीखा कि हम आयोटा की बड़ी पावर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।